अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं अम्मा जी को पिक करने। वो आज जंग से आ रही हैं इस्लामाबाद। तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ अम्मा जी को पिक करने। और कहाँ हम जाएंगे? डाइवो। और डाइवो से पहले हमें आज पेट्रोल भी डलवाना है। पेट्रोल भी से कम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, हम हमेशा से यही काम करते हैं, सबसे पहले पेट्रोल ही डलवाते हैं। हमारी गाड़ी में हमेशा एक चक्कर के बाद पेट्रोल खत्म हो जाता है। भाई हिसाब है अपना अपना। वैसे भी रात हमने काफी आउटिंग की, तो इस वजह से पेट्रोल तो बनते ही। और इसके बाद अभी वो लोग पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद टर्मिनल पे। वहाँ से फिर उनको अब गाड़ी शिफ्ट करेगी इधर फैजाबाद वाले टर्मिनल पे। तो इतनी देर में हम दोनों भी पहुँच जाएंगे और वो लोग भी फैजाबाद पहुँच जाएंगे। पेट्रोल आ गया, पेट्रोल डलवाते हैं। अब यहाँ से आ रहा है वेस्टर्न यूनियन, जो कि हमारी बहुत मोस्ट फेवरेट जगह है, क्योंकि हमारी अर्निंग यहीं से होती है। हमारे फ्रीलांसिंग की सारी अर्निंग यहीं से आती है। और ये एक्सचेंज हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें गिफ्ट्स भी देती है। एंड हमारे पास काफ़ी सारे इनके गिफ्ट जमा हो गए हैं, तो थैंक यू एक्सचेंज वेस्टर्न यूनियन। लेकिन सारे गिफ्ट सुहेब के ही होते हैं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलता। लेडीज को कोई गिफ्ट नहीं है वहाँ पे, सिर्फ की रिंग्स हैं और बॉल पॉइंट्स हैं और पता नहीं कैप्स वगैरह की चीज़ें। ये आ गया है वेस्टर्न यूनियन, दिखाई तो दे नहीं रहा मुझे कहाँ गया। सब कहाँ है? ये आ गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा। एग्जैक्टली जब हमारी यहाँ पे गाड़ी आई है तो आगे से हमें रोक दिया गया। भाई अब सारी ये लाइनें जाएंगी, उसके बाद हमने आगे जाना दिया। वो जो है ना उधर जगह, ये वो जहाँ वो लगा बस स्टॉप, यहाँ से मैंने वो बकरा खरीदा था छोटा। टैजू उसकी रूह परवास कर चुकी। बरसी थी उसकी, हमने उसकी बरसी बनाई। ये बकरा था जो मैंने ना हमने सिक्स सेमेस्टर में खरीदा था, एम ही उसके ऊपर वो इंजेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए, सिरिंज प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर वो उसको पूरा डिपार्टमेंट मिल के हमारा बचा ना सका, और वो यहाँ से अपनी क्या दुनिया फानी होती है, क्या होता है, जहाँ फानी से कूच कर गया वो। मेरा ख्याल इशारा खुलने वाला है और अभी हम आगे चलते हैं। बस थोड़ी देर रह गई है, अम्मा जी भी वहाँ पहुँचने वाली हैं उस टाइम से। अब अल्लाह करे हम पहुँच जाएँ वहाँ पे। सो यर्स, अभी अम्मा की कॉल आई है कि अम्मा लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, और अभी तक हम यहाँ पे मरी रोड पे हैं। और अभी हमने उनको वेटिंग रूम में बैठने के लिए बोला, तो अभी हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएँगे। फिर अम्मा जी से आपसे जाके अम्मा जी से मिलवाते हैं। ऑलमोस्ट हम फैज़ाबाद पहुँच चुके हैं। आई थिंक 5 मिनट और लगेंगे डेवो टर्मिनल पर पहुँचते हुए। देखें ये डेवो जा रही है वापस, आई थिंक अम्मा जी को छोड़ दिया है, हम लेट हो गए हैं। और इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, पता नहीं हम कब पहुँचते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और हम लेट हो गए हैं। चलें फिर मिलते हैं। ये अब हम पहुँच गए हैं अपने डेवो टर्मिनल पर, और अब हम आपको मिलवाते हैं अपनी मम्मी से। हेलो, अम्मा जी पहुँच चुकी हैं। बहुत थके हैं, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत थकावट बहुत हो जाती है ना। लेकिन आज अम्मा की को डेवो ने बड़े सही टाइम पे पहुंचा दिया है ना। मौसम अच्छा था ना, इसलिए कोई धूल का चक्कर नहीं था, तो कहीं ज़्यादा स्टॉप नहीं किया, सुबह क्लियर थी, इसलिए हम आसानी से आ गए। कितने बजे चले थे अम्मा? ठीक 10 बजे उधर से चली, और बस 10 का फैसला स्टॉप की है,
तो उसके बाद फिर ये इस्लामाबाद टर्मिनल था, बस दरमियान में एक जगह और 10 मिनट का किया। सफर ठीक रहा आपका? सफर बहुत अच्छा रहा है ना, बहुत अच्छा। ओके भाई, घर जाके अब लोग बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।